हरदोई जिले में जिला कारागार प्रशासन के द्वारा जेल कर्मियों और नए आने वाले कैदियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए प्रिवेंशन फुल बॉडी सैनिटाइजेशन चैम्बर की शुरुआत की गई है। इस सैनिटाइजेशन चैम्बर के जेल कर्मी अपनी ड्यूटी से पहले 3 सेकंड के लिए जाते हैं और 3 सेकंड में उनकी बॉडी फुल सैनिटाइज हो जाती है। खास बात यह है कि इसको निर्मित करने के लिए कोई सरकारी धनराशि खर्च नहीं की गई, बल्कि इसको बनाने के लिए जेल कारागार प्रशासन ने रॉ मटेरियल का सहारा लिया। जेल में मौजूद पुराने मोटर, पुरानी पन्नी, पाइप के माध्यम से इसे तैयार किया गया है। पुरानी पन्नी और पाइप के माध्यम से चैम्बर बनाया गया, जिसके बाद लिक्विड में पाइप डालकर मोटर के माध्यम से पाइप को नोजल से जोड़कर इतना प्रेशर दिया जाता है कि वह पाग में तब्दील हो जाता है और उस पाग के जरिए 3 सेकंड में सैनिटाइज कराया जाता है। फुल बॉडी सैनिटाइज हो जाती है। ऐसे में कैदियों और जेल कर्मियों की सुरक्षा को लेकर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए यह सैनिटाइजेशन चैम्बर काफ़ी अहम भूमिका निभाकर फुल बॉडी सैनिटाइज करने के लिए एक चैम्बर या कैबिन जो है बनाया गया है। हमारे पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक कारागार प्रशासन से आनंद कुमार सर के द्वारा ऐसा जो है अपेक्षा की गई थी कि इस तरीके का कुछ जो है बनाया जाए, जिसमें कारागार के अंदर प्रवेश करने वाले जो भी बंदी हैं नए या जो हमारा कांस्टेबल है जो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है या जो कोई स्टाफ का कोई भी व्यक्ति, तो वो कारागार में प्रवेश करने से पहले उसकी पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाए। तो उसी के अनुक्रम में फुल बॉडी सैनिटाइजेशन चैम्बर इस तरीके का बनाया गया है, जिसमें पूरे कारागार के जो भी कर्मी हैं अपने ड्यूटी से पहले जाने से उस चैम्बर से होके गुजरेंगे, जिसमें उनकी पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाए और जो भी हमारे यहाँ नया बंदी आएगा उसको भी उसमें से ही गुजर के जाना पड़ेगा। और इसमें हम लोगों ने डिसइंफेक्टेंट का जो है प्रयोग किया गया है, जिसमें आइसोप्रोपाइल वगैरह का जो है प्रयोग किया गया है, जो हार्मफुल भी नहीं है और बेसिकली उसको पानी के साथ मिला के डाइल्यूट करते हुए किया जा रहा है, ताकि जो भी अपने इस तरीके से डिसइंफेक्ट हो जाए पूरी बॉडी व्यक्ति की। लागत के नाम पे इसमें एज सच कुछ भी नहीं है और हमारे यहाँ एक गोदाम होता है तो उसमें पुरानी सामग्रियाँ रहती हैं, तो उस पुरानी सामग्रियों को ही प्रयोग करते हुए कुछ नोजल हमारे पास रखे थे और पाइप थी। और इसके बाद जो है हमारे यहाँ चूँकि बहुत से विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के लिए पन्नियों वगैरह का हम लोग रखते हैं, जिसका समय समय पर प्रयोग किया जाता है, तो उन पन्नियों से एक चैम्बर बना दिया गया और बाद में जो रॉड था और जो पाइप थी उसमें नोजल लगा के और पुरानी ही हमारे पास मोटर रखी थी, जिसका प्रयोग करते हुए और एक बकेट में इस तरीके का जो आइसोप्रोपाइल और पानी के साथ में घोल बनाया गया है उस डिसइंफेक्टेंट को भी उसमें डाल दिया गया और बाद में इसको प्रॉपर उसके माध्यम से मोटर के माध्यम से उस नली में ट्यूब में चढ़ाया गया, उस पर प्रेशर को जो है बनाया गया कि कितने प्रेशर के साथ हम करेंगे कि ये पानी जो है वो प्रॉपर हमारा फॉग के रूप में कन्वर्ट हो जाए, ताकि व्यक्ति की शरीर भी ना भीगे और सामान्य रूप से उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेंट हो जाए।